तो अब देखो हमारे साथ हमारे शेरू भी आ गए हैं टहलने के लिए और सब परेशान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये देखो अफरा चल रहा है इनका भकर भकर। तो इतने टाइम अपने साथ भाई जानवरों का भी ध्यान रखें। कहे हैं का हुई गवा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम आए थे वॉकिंग करने के लिए मॉर्निंग वॉक पे गांव से बाहर। थोड़ा ये देख लिए गांव का नज़ारा। गांव के बाहर बहुत ही ग्रीन है, गांव के बाहर का माहौल, सब पेड़ पौधे। और ये देखो 5:30 बजे इतने ज़्यादा धूप हो चुकी है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इतनी गर्मी में यार। और सभी लोग पानी वानी खूब पीते रहें वरना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और अभी 1 किलोमीटर है गांव से बाहर, इतनी दूरी आने में एकदम मुंह एकदम सूख चुका है। बस ये लग रहा है कहीं पानी वानी मिल जाए तो पानी पी लें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, बट मॉर्निंग वॉक भी ज़रूरी है अपनी हेल्थ को डेवलप करने के लिए। सो आप भी मॉर्निंग वॉक के लिए ज़रूर जाएँ क्योंकि इतना अच्छा इन्वायरमेंट बाहर मिलता है तो थोड़ा माइंड फ्रेश भी हो जाता है मॉर्निंग में। और धूप तो बहुत तेज़ हो चुकी है, इतना ज़्यादा धूप की आँख खुलने एकदम सामने से धूप आ रही है। सो आप लोग भी इतनी गर्मी में थोड़ा कम ही बाहर निकलें और अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर दें, नहीं बीमारी लग गई तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इतनी गर्मी में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और धूप तो भाई पूछो ही मत, 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहता दोपहर में यहाँ पे गांव में। तो अभी तक तो थे मैं दिल्ली में, वहाँ पढ़ाई करता हूँ, लेकिन अभी जस्ट आया हूँ गांव कुछ दिन पहले। सो अभी तो एक कुछ दिन के लिए गांव में ही रहना पड़ेगा। सो ये देखो हमारे साथ हमारे शेरू भाई भी आए मॉर्निंग वॉक के लिए। ये देखो इनके तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। इतने टाइम भाई आदमी के साथ कुत्ते जानवर सब परेशान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये देखो अफरा चल रहा है इनका भकर भकर। तो इतने टाइम अपने साथ भाई जानवरों का भी ध्यान रखें। कहे हैं का हुई गवा। सो अब देखो हमारे साथ हमारे शेरू भी आ गए हैं टहलने के लिए। ये भी हमारे मॉर्निंग वॉक करने के लिए डेली आते हैं यही रोड पे। ये देखो ये रोड काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट रहता है यहाँ का। और ये देखो धूप, और ये देखो धूप देखो कितनी तेज़, आंखें खुल नहीं रही इतनी तेज़ धूप हो गई। इतनी सुबह अभी 5:40 या 5:45 हुआ होगा लेकिन इतनी तेज़ धूप हो गई है कि शरीर से एकदम पसीना पसीना आ रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। तो ठीक है भाई लोग, नमस्ते, बाय बाय, राम राम। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सो आप लोग बढ़िया से रहें और बढ़िया पानी वानी खूब पिए इतनी गर्मी में ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई बीमारी हो तो उसकी दवा तुरंत लें क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। खाना कम खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, थोड़ा सलाद उलाद का सेवन ज़्यादा करें जिससे डाइजेशन क्या होता है गर्मी में डाइजेशन थोड़ा स्लो हो जाता है। टेम्परेचर इतना हाई होता है इसकी वजह से ना, टेम्परेचर हाई होने की वजह से डाइजेशन जो होता है भोजन का वो बहुत स्लो होता है। इसकी वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं, कभी उल्टी होने लगती है तो कभी यही होता है। तो सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो बाय बाय, राम राम, जय हिंद।